गोमती नगर मेट्रो हॉस्पिटल उजरिया गांव के अंदर जो सहायता से मिल रहा है राशन पानी, उसमें हम दुखी गरीब है जो है उनके लिए खाना बना रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, दूसरे लोग आते हैं उनको भी खिला रहे थे। आज के लिए चावल बना है, परवल आलू रसदार बना है। ये जो अरेंजमेंट है हमारा यहाँ पे संदीप सर की बदौलत, तो हमारा ये छत्तीसगढ़ के मजदूर है यहाँ पे, तो इनके लिए संदीप सर ने व्यवस्था की है, ठीक है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम मदद पहुँचा सके। ऑलमोस्ट 160 से 170 लोग ऑलमोस्ट यहाँ सुबह में भी और शाम में भी दोनों समय लोग खाते हैं यहाँ पे, और जबकि बहुत सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं इसमें, कोई यहाँ से ऑलमोस्ट भूखा नहीं जाता यहाँ से। हम पूरी कोशिश यही करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सामुदायिक रसोई चल रही है, 16 ऐसी रसोईयां चल रही हैं, 10 लखनऊ शहर के अंदर। ये जो हमारा है मॉडल, इसमें हमने ये तय किया है कि जो भी आएगा उसको हम खाना खिलाएंगे। एक दिन खाना कम पड़ेगा, अगले दिन बढ़ा लेंगे, कोई भूखा न रहे। और यहाँ उजरियाओं की खास बात यह है कि यहाँ पे जो व्यवस्था करने वाली पूरी टीम है वो तो ज़्यादातर मुस्लिम महिलाओं की है, लेकिन जो यहाँ के लाभार्थी हैं वो ज़्यादातर नेपाल के और गैर मुस्लिम लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो आसपास ठेले लगा के अपना अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो बिना किसी भेदभाव के और एक समाज सेवा की भावना से सब लोग इसमें लगे हुए हैं। जो लोग ऐसे पुराने कपड़े घर से निकाल करके और दे गिव इट टू द लेडीज जो घर में इसको स्टिच करती हैं, तो उनको स्टिचिंग का कॉस्ट मिल रहा है, उससे उनका खर्चा चल रहा है, और साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है जिसमें कि मास्क की आवश्यकता है और हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो हाथ धोने की टेक्निक भी हम लोग बाहर निकल के सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के जो है जस्ट दूसरे दिन से जो है ये हमने एक टारगेट किया था कि सारे लोगों को खाना पहुंचाया जाए, और सुबह शाम जो है मैं खाना कंटिन्यू पहुंचा रहा हूं, और जिस लेवल पे मैं खाना पहुंचा रहा हूं वो आप तो देख रहे हैं कि किस जगह पे, यहां पे अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी जो है सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। उसके बावजूद मैं सुबह शाम रात का चाहे कितना भी टाइम हो जाए आता जरूर है खाना, कभी नागा नहीं हुआ है और ना नागा होगा। लॉकडाउन अगर बढ़ता है किसी भी कंडीशन 6 महीने तक रहेगा, तो 6 महीने तक इन लोगों को वादा किया मैंने खाना देंगे।